हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैं अपने परमानेंट प्लांट्स जो सर्दियों में डॉर्मेंसी में थे, अब उन्हें कैसे हमें ट्रीट करना है ताकि वो अपनी ग्रोथ बहुत अच्छे से फिर से शुरू करें। वैसे ये देखिए दोस्तों, ये मेरे हैंगिंग प्लांटर्स में लगे हुए प्लांट्स हैं, मैक्सिमम परमानेंट प्लांट्स हैं, और ये आप हालत देख ही सकते हैं कि क्या हाल हो रखा है। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, जो पुरानी ग्रोथ है, सूखी डंडियाँ, सूखी पत्तियाँ, सब कुछ मैं हटाऊंगी, दोबारा से इनको मैं फर्टिलाइज़ करूंगी, फर्टिलाइज़र ऐड करूंगी सॉइल में और अच्छे से रिपॉट करूंगी। ये मैं इसलिए करूंगी क्योंकि ये प्लांट्स अभी डॉर्मेंसी से उठे हैं, अब ये ग्रोथ करेंगे और इनकी ग्रोथ को तेज़ और बेहतर बनाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। आई एम श्योर कि आप लोगों के घर में भी यही माहौल, मतलब यही हाल है प्लांट्स का, आई एम श्योर सभी का होता है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, मत सोचिए कि प्लांट खराब हो गया है या अब ये प्लांट कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। अब इस प्लांट से आप ढेर सारे प्लांट्स भी बनाएंगे और जो आपका पुराना प्लांट है वो भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो चलिए देखिए मैं क्या करती हूँ। दोस्तों, ये डिशिडिया है, देखिए ये बहुत बढ़िया प्लांट रहता है। पूरी सर्दियों में एक भी पत्ती इसकी मतलब सूखी नहीं है, बिल्कुल बढ़िया से रहा है ये प्लांट। तो इसमें मैं कुछ नहीं करने वाली, लेकिन पास ही में जो स्पाइडर प्लांट है, इनकी हालत तो भाई आप खुद ही देख लो क्या हालत हो रखी है। तो इनको तो ठीक करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सारा जो पप्स निकला हुआ है सारा ख़राब हो जाएगा। तो इससे पहले कि सारे ख़राब हो जाए, मुझे इन्हें फिर से अच्छे से प्रून व्रून करना पड़ेगा। और ये देखिए स्नेक प्लांट का ये हैंगिंग बास्केट है, जिसमें ये देखिए बॉलिविन ज्यू खुद ही उगा था और लंबा भी हो गया और सूख भी गया। ये ट्रेट्सकेंटिया है, इसकी भी देखिए डंडियाँ लंबी लंबी हो चुकी हैं और काफ़ी सारी पत्तियाँ सूख चुकी हैं, तो इनका भी इलाज मुझे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जितने भी मेरे हैंगिंग प्लांटर्स में प्लांट्स लगे हुए हैं, सबकी यही हालत है। तो मैं सब हैंगिंग प्लांटर्स को नीचे उतारूंगी और फिर उन्हें अच्छे से ट्रीट करूंगी। तो चलिए उतारते हैं सारे प्लांटर्स को। तो यहाँ पे मैंने अपने जितने भी हैंगिंग प्लांटर्स हैं सबको यहाँ पे एक साथ रख दिया है और आप हालत तो देख ही पा रहे हैं। तो इन सभी को मैं आज पूरा दिन भर इन्हें ठीक करूँगी। सबका मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊँगी, एक प्लांटर का दिखाऊँगी और उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं शुरुआत करने जा रही हूँ इस वॉन्डरिंग ज्यू के प्लांटर के साथ। तो चलिए, हालत तो आप देख ही पा रहे हैं, लंबी लंबी डंडियाँ हैं और पत्तियाँ बिल्कुल सूख चुकी हैं। तो सबसे पहले मुझे करना है इनकी कटिंग। दोस्तों, कटिंग करते वक्त आप बिल्कुल भी मत घबराइए या दुख मत कीजिए कि आप प्लांट को काट रही हैं, ये प्लांट के अच्छे के लिए ही आप कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इन्हें काटेंगी नहीं तो ये नई ग्रोथ अच्छे से नहीं स्टार्ट करेगा। तो मेरे इस प्लांटर में जितने भी लंबी लंबी डंडियां हैं मैं सब कट कर दूंगी, बिल्कुल खाली कर दूंगी प्लांटर, क्योंकि इससे ही इसमें अच्छी ग्रोथ स्टार्ट होगी। तो ये देखिए मैंने कट कर लिया है। और अब बारी है दोस्तों मिट्टी और फर्टिलाइजर की। ये देखिए ये कोकोपीट है और इसमें मैंने थोड़ा सा गार्डन सॉइल मिक्स कर लिया है, जो कि ये हैंगिंग प्लांटर है तो सॉइल जो है वो लाइट वेट होना ज़रूरी है, और उसके लिए कोकोपीट और ये है गोबर की खाद, अच्छी से सूखी हुई गोबर की खाद है। ये है एप्सम सॉल्ट। आप सोचेंगे कि एप्सम सॉल्ट क्यों, इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी जब इसे यूज़ करूँगी। और इनके साथ साथ मैं यूज़ करूँगी वर्मी कंपोस्ट, एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट्स के लिए। इसमें 5 किलो वर्मी कंपोस्ट आता है और इसका प्राइस है 150 रुपीज़, और ये मैं रेमबो नर्सरी से लेके आई हूँ। हर किसी नर्सरी में आपको मिल ही जाएगा वर्मी कंपोस्ट, तो आप लेके आ सकते हो। तो इन्हीं मटेरियल्स को यूज़ करके अभी मैं अपने प्लांटर्स को रिपोर्ट करूँगी। तो मेरा जो ये प्लांटर है दोस्तों, इसमें जो मिट्टी है ये भी मैक्सिमम मैंने कोकोपीट ही यूज़ किया है, बहुत ही अच्छा लाइट वेट सॉइल है यहाँ पे। तो बस इसे थोड़ी सी गुड़ाई करूँगी और जो नया सॉइल है उसे थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी, फर्टिलाइज़र ऐड करूँगी। तो सबसे पहले इसमें मैं ये देखिए कोकोपीट का एक लेयर दे रही हूँ। जब हम प्लांट्स को वाटरिंग करते हैं तो हमेशा क्या होता है कि थोड़ी बहुत मिट्टी निकल जाती है नीचे के होल्स से, तो उससे क्या होता है जो मिट्टी की लेयर होती है वो नीचे चली जाती है दोस्तों। तो इसी के वजह से
एवरी ईयर हमें थोड़ी मिट्टी ऊपर से ऐड करनी पड़ती है ताकि लेवल मेंटेन रहे। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। पिछले वाला जो सॉइल था वो काफ़ी नीचे चला गया था, तो मैंने इसलिए कोकोपीट यूज़ किया है। और अब देखिए एप्सम सॉल्ट, दोस्तों एप्सम सॉल्ट का मेन काम होता है जो पत्तियाँ हैं उनको चमकदार बनाना, तो पत्तियों वाले प्लांट्स के लिए एप्सम सॉल्ट बढ़िया रहता है। तो इसीलिए मैं इसे अपने सारे प्लांटर्स में यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे सारे प्लांटर्स में जो प्लांट्स लगे हुए हैं वो मेनली लीफी प्लांट्स हैं, मतलब पत्तियों वाले हैं, फूलों वाले नहीं हैं। तो इसलिए मैंने ये यूज़ किया। ये देखिए गोबर की खाद थोड़ी मात्रा में यूज़ कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी यूज कीजिए। और लास्ट में मैं डाल रही हूँ ये देखिए वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट आप थोड़ा ज़्यादा भी डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, ये प्लांट्स को ख़राब नहीं करती। लेकिन हाँ, गोबर की खाद गर्म रहती है तो थोड़ा यूज़ करना बेटर रहता है। तो ये देखिए अच्छे से मैंने सारे खाद मिला दिए हैं और ऊपर से फिर से मैंने ये कोकोपीट की एक लेयर दे दी है। और ये देखिए दोस्तों जो कटिंग्स निकली हैं इतनी सारी, इन्हें मैं फेंकूंगी नहीं, कुछ तो इसे पॉट में लगा दूंगी प्लांटर में, हैंगिंग प्लांटर में, और बाकी सारे मैं छोटे छोटे कंटेनर्स में लगाकर मैं गिफ्ट भी कर सकती हूँ या फिर अपने खुद के गार्डन के लिए भी और नए प्लांटर्स रेडी कर सकती हूँ वॉन्डरिंग ज्यू के साथ। तो वाटरिंग करना है हमें कटिंग लगाने से पहले, बाद में भी कर सकते हो, लेकिन ये बेस्ट ऑप्शन रहता है कटिंग लगाने का कि पहले ही आप सॉइल को मॉइस्ट कर ले उसके बाद कटिंग्स लगा दें। ये देखिए कटिंग लगाने का तरीका आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन जो नए गार्डनर्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपको ज़मीन के नीचे एक या दो नोड्स अंदर डालने हैं, पत्तियों को वहाँ से हटाना है। इससे दो तीन नोड्स अंदर डालना इसलिए ज़रूरी है कि अगर एक नोड से ना भी रूटिंग हो तो एटलीस्ट दूसरे नोड से हो जाए और आपकी कटिंग चल जाए। तो ये देखिए दोस्तों मैं ये पूरा पॉट भर दूंगी इन कटिंग से। तो दोस्तों कटिंग्स लगाने के बाद देखिए प्लांटर कुछ इस तरह से दिख रहा है। जब ये कटिंग्स लग जाएंगी और पूरा ये पॉट भर जाएगा तब ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा, है ना दोस्तों। तो कटिंग लगाने से पहले भी मैंने वाटरिंग की थी और अब कटिंग लगाने के बाद भी अच्छे से वाटरिंग कर दी है। तो ये देखिए मेरा प्लांटर तैयार हो चुका है। जिस तरीके से मैंने ये वाला प्लांटर रेडी किया है दोस्तों, उसी तरह से मैं अपने सारे प्लांटर्स रेडी करूँगी, कटिंग लगाऊंगी और जिन्हें रूट डिवीजन से मैं डिवाइड कर सकती हूँ उन्हें मैं उस तरह से करूंगी। तो ये देखिए कटिंग्स ये रह गई हैं, इन्हें मैं फेंकूंगी बिल्कुल भी नहीं, इन्हें मैं लगा दूंगी दूसरे प्लांटर्स में। और अब बारी है दोस्तों ये जो टर्टल वाइन है इसकी, तो इसका थोड़ा सा अलग होता है, इसे भी आप कटिंग से लगा सकते हैं, लेकिन ये इतना इजीली ग्रो होता है कि कटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आप इसे सॉइल के ऊपर रख दें तभी ये अपने आप सॉइल को पकड़ लेता है और रूटिंग स्टार्ट कर देता है। तो सबसे पहले तो मैं ये रूखा सूखा जो भी है इन्हें हटा रही हूँ। और ये जो दोस्तों पॉट में आपको दिख रहा है, इसे मैं इन प्लांट्स को मैं मिट्टी के साथ अगर निकाल के इन्हें कट करके 3-4-5-6 पीसेस में कट करके अलग अलग प्लांटर्स में लगा देती हूँ तो उससे भी ये नए प्लांट्स बन जाते हैं, पूरा पॉट कवर कर लेता है। तो वो भी एक तरीका है टर्टल वाइन को लगाने का। तो कोई भी तरीका हो लेकिन ये प्लांट चल ही जाता है, बहुत ही इजीली ग्रो करता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ये प्लांट मिट्टी के साथ निकाल रही हूँ और बाद में मैं इसे डिवाइड करके 3-4 प्लांटर्स में लगा दूंगी, जिससे कि मुझे टर्टल वाइन के 3-4 प्लांटर्स मेरे रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए कटिंग्स में निकाल रही हूँ और ये कुछ कटिंग्स मैंने कलेक्ट कर ली हैं, इन्हें मैं लगाऊंगी। और ये जो है इसे भी 3-4 पार्ट में डिवाइड करके मैं ऐसे प्लांटर में लगा दूंगी जो कुछ ही दिनों में पूरा भर जाएगा और मेरे नए प्लांटर्स बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे मिट्टी की बारी आ रही है, तो मिट्टी वही है जो मैंने वॉन्डरिंग ज्यू में किया था। सबसे पहले कोकोपीट, फिर उसके ऊपर गोबर की खाद, मैंने यहाँ 2 मुट्ठी यूज़ की है अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे मैं डालूंगी एप्सम सॉल्ट, क्योंकि एप्सम सॉल्ट आप लोगों को पता ही है कि पत्तियों के चमक के लिए है, तो जो कि टर्टल वाइन एक पत्तियों वाला प्लांट है तो उसे तो ज़रूरत है एप्सम सॉल्ट की। और वर्मी कंपोस्ट, तो इन्हीं को मिला के मैंने हर एक प्लांटर का
मतलब सॉइल प्रिपेयर किया है मेरे हैंगिंग प्लांटर्स का। तो अभी फिर से मैंने कोकोपीट का एक लेयर ऊपर दे दिया है। अब मैं इसे मॉइस्ट कर लूँगी और उसके बाद यहाँ पे कटिंग्स लगा दूंगी। और इनकी कटिंग्स दोस्तों आपको मिट्टी में आपको दबाना नहीं है, दबाने से भी हो जाता है, लेकिन अगर आप ऐसे ही ऊपर मिट्टी को मॉइस्ट करके ऊपर इसकी कटिंग रख देते हैं तो उससे भी आपकी कटिंग लग जाती है बहुत ही इजीली और बहुत ही कम टाइम में। जो ये प्लांटर है, ये पूरा प्लांटर इस प्लांट से भर जाएगा और फिर इसकी डंडियां नीचे लटकेंगी और बहुत ही खूबसूरत लगेंगी। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से बस आपको ऊपर इसे रखना है और थोड़ा सा ऊपर खत्म मतलब इनको रखने के बाद ऊपर थोड़ा सॉइल आप स्प्रिंकल करके उसे मॉइस्ट कर दीजिए और बस इसे छोड़ दीजिए। ये देखिए बाकी ये सारे प्लांटर्स अभी बाकी हैं करना, तो करने के बाद आपसे मिलती हूँ। दोस्तों पूरे दिन के मेहनत के बाद शाम को मैं ये शूट कर रही हूँ और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सारे प्लांटर्स मेरे रेडी हैं। ये देखिए काफ़ी सारी कटिंग्स मैंने लगा दी हैं सारे प्लांटर्स में और काफ़ी कम टाइम में ही ये अच्छे से ग्रोथ स्टार्ट कर देंगी। और जब ये सारे पॉट्स भर जाएंगी और अच्छे से ग्रोथ करेंगी तो आप इनकी खूबसूरती इमेजिन कर सकते हैं। तो आप भी जल्दी से फटाफट अपने सारे हैंगिंग प्लांटर्स का ये काम ज़रूर कर ले अभी, ताकि गर्मियों में आपको बिल्कुल मेहनत ना करनी पड़े। बस पानी देते रहिए और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये भी मेरे कुछ प्लांट्स हैं जो ओवरग्रोन हो चुके थे, इन्हें भी मैंने कट कर लिया। ये देखिए काफ़ी सारी कटिंग्स लगा दी हैं, देख रहे हैं ना दोस्तों, तो आप भी ज़रूर कीजिए। और हाँ दोस्तों, ये है मेरा बोनस मेरे काम का। ये देखिए ये सारी कटिंग्स मुझे मिली हैं, मैं इनमें से कोई भी कटिंग फेंकने नहीं वाली हूँ, इन्हें मैं लगाऊंगी और आपको दिखाऊंगी भी कि मैंने लगाया है कि नहीं। तो दोस्तों ये देखिए मैंने सारी कटिंग्स लगा दी हैं और इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।